वज़ीर-ए-आज़म का अहलिया के हमरा उम्रे पर जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के सऊदी हुक्मरानों से मुलाकातें भी मतवक्के। चीन, ईरान और तुर्की के साथ ताल्लुकात के बारे में एतमाद में लेंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी अपने सफीर सैयदुल मालिकी को मुतहरिक कर दिया है, जिन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी समेत दीगर अहम हकूमती जिम्मेदारों के साथ मुलाकातें की हैं। कोरोना वबा की सूरत हाल मजीद बेहतर होने पर वज़ीर-ए-आज़म अहलिया बुशरा बेगम और अहम वज़रा के हमरा उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अस्करी क़यादत और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ मुशावरत भी की है। वाज़ह रहे कि कुछ रोज़ कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था। दुनिया की कदीम तरीन दिफाई थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विस ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया तनाज़ा को ठंडा करने का क्रेडिट जनरल कमर जावेद बाजवा को दे दिया है। तज़िये में कहा गया कि जनरल बाजवा गुज़श्ता हफ्ते दौरा सऊदी अरब में सऊदी हुकाम को यकीन दहानी कराई गई थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई तालुकात कायम रहेंगे। जनरल बाजवा और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तालुकात को हकीकत पसंदाना बनाया है, जिसमें दोनों मुल्क तारीख और नारों से आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तज़िये में कहा गया है कि जनरल बाजवा दोनों मुल्कों के दरमियान तालुकात को जातियात और वन मैन शो से हटा दिया है, जबकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी ऐसा ही किया है।